राजा जय सिंह का आमंत्रण है, दिल्ली की तैयारी शुरू करती है। साहब दिल्ली नू जा रहे हैं, चाले पाए हैं, रस्ते दे विच कौतक वरत रहे हैं। बड़ी संगत हम हमा के रस्ते दर्शनां नू आती है, जत्थे भी पड़ाव करते हैं दर्शनां वास्ते कट्ठी हुंदी। पंजोखरा साहब पहुंचे हैं, अंबाले दे कोल एक जगह है जत्थे उस याद दे विच गुरद्वारा साहब सुशोभित है। जदों उत्थे पड़ाव किया है, उत्थे एक पंडित लाल चंद जी सन, उन्हां दी बड़ी मानता, बड़े शिष्य, बहुत वड्डे विद्वान सन। शंका अपनी संगत च प्रगट करते हैं कि अठवां गुरु नानक और एक छोटा जिहा बच्चा और नाम भी उन्होंने हर कृष्ण भगवान कृष्ण के नाम पर रख्या होया। आप भागवत गीता का, माता गीता का बहुत उत्तम कोटि का विद्वान सी। दिल च ख्याल आ गया कि मैं भागवत गीता दे श्लोकों का अर्थ पूछांगा, जे ठीक जवाब दे देंगे तो सचमुच वो गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान हैं, वही समर्था रखते हैं। ये दिल च सोच के अपनी संगत नाल दर्शन वास्ते गए। अंदर जी उत्थे बैठे, जिस वक्त गुरु हरकृष्ण साहब ने उधर देखिया ते पुछया कि पंडित जी किवें आना होया। पंडित जी ने नताड़क होके एकदम किया कि गरीब नवाज, भागवत गीता दे कुछ श्लोकों का अर्थ समझन वास्ते आए। गुरु साहब देखते हैं कि पंडित जी कोई होर चीज़ पुछो, कोई होर चीज़ मंगो, कि गरीब नवाज भगवत गीता दे कुछ श्लोक उन्होंने अर्थ समझने हैं, ये तो कोई होर भी समझा देगा, कुछ होर मंगो। जदों क्या कोई होर भी समझा देगा, पंडित जी के मुँह निकलिया कोई होर भी समझा देगा कि हाँ किसे नूं लै आओ। जदों ये किया तो पिछे देखिया तो संगत के पिछे झूठ काम कर रहा सी छज्जू, उसका नाम से वह गूंगा सी, बहरा सी, उन्हें फड़ के सामने लिया के खड़ा करता। हुण पंडित जी जानते हैं कि गूंगा तो बहरा है, सब दिलों के जानन वाला, एक एक कट कट का जाननहार गुरु हरकृष्ण साहब अठवें पातशाह। पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता, पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता, अंधली त्रे भवन सूचिया गुर पीठ पुनी, पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता, पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता। साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल कोई कोट अब हरी निर्मल पाए चीता, ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता, पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता, पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर्बुद्धिता, अंधली त्रै भवन सूचिया गुर पीठ पुनीता, अंधली त्रै भवन सूचिया गुर पीठ पुनीता, पिंगल पर्वत पार परी खल।
सतीता पिंगल पर्वत पार परी खल चतुर बतीता जिस वक्त साहब ने वो दृष्टि पाई है, अमर दृष्टि पाई है, उस वेले छजू चूर दे कपाट खुल गए। उस वेले दरगाही बख्शिश नाल पंडित जी वाल देख के जवाब दिता है। जेड़े श्लोक उन्होंने पूछे जिन्हों का जवाब छजू दे रहा है, उस मतलब तक तो पंडित जी की पहुँच है नहीं सी। पंडित जी सारी संगत हैरान रह गए, निरुत्तर हो गए। चमत्कार देखा है, गुरु नानक पाशाह अठवें गुरु नानक का एक कौतक चमत्कार देख रहे। उस वेले साध संगत जी एक चीज़ बाबा नंद सिंह साहब भी चेते आती है, फरमाया के गुरु नानक दे अगे, गुरु नानक दे दर ते कोई हमें कोई हंकार खड़ा नहीं हो सकता। ए हमें ए मान टिक ही नहीं सकता। उत्थे पंडित जी दा ओ विद्या दा मान टुट के चूरो चूर हो गया। उस वेले पंडित जी चरना ते डिग पे, सारी संगत उन्हां दे नाल जिहड़ी आई सी चरना ते डिग पी, माफी मंगी श्री हरकृष्ण ते आई। ओ कौन पढ़ है, ओ झूठ पढ़ है, जिस जिठे सब दुख जाए, जिसनू दर्शन करदे ही ओदे सारे कष्ट चले गए। साहब ने उथों चाले चाले जदों पाए तो रस्ते छोड़ बड़े कौतक हो रहे हैं। साहब दिल्ली पहुँचते हैं, राजा जय सिंह के बंगले से पहुँचे, बड़े कौतक हो रहे हैं। रानी माता नाल जो राजा जय सिंह की घरवाली सी उहदे नाल बड़े कौतक होए। उसने बड़ा फिर प्यार किया है, रज के सेवा की है गुरु हरकृष्ण साहब। पर एक उत्थे अचरज घटना वर्ती, दिल्ली दे विच एक जान लेवा बीमारी पै गई, लोग मरने शुरू हो गए, हाहाकार मच गई दिल्ली दे विच। किसे सियाने ने उन्होंने सलाह दी कि वह भले लोगो अठवां गुरु नानक आया होया है, राजा जय सिंह के बंगले उन्होंने मेहमान उत्थे ठहरे हुए हैं, आओ आप चल के उन्होंने बेनती करिए। तुर पे जेड़ा भी तुरी आई जाता है श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस जिठे सब दुख जाए,
जेड़ा भी आई जाता है कष्ट दूर हो जाते। सात संगत जी फिर की सी, जिस तरह लोग मरते हुए बच्चों चुके लिया रहे, कोई बुढ़िया बीबिया मंजिया के चुके लिया रहे, सारी दिल्ली टुट के पै गई। और साहब फिर जो शरण आवे तो कंठ लावे बिरद स्वामी संधा, जेड़ा भी शरण च आई जाता गुरु नानक दी। वो तो गरीब लोग आ रहे सी, और दुखी लोग आ रहे सी, जेड़ा भी आई जाता है सब दे दुख निवृत्त करी जा रहे है, सब दे कष्ट कट्टी जाता है। ऐसी अमर दृष्टि पा रहे हैं, फिर तो सारी दिल्ली भज गई। जेडे चंगे सी वह भी फिर आके दर्शनां नूं तरस रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। पर साहब देखो तुसीं कि ओ प्रकाश आता है, और आके प्रकाश ही वंडदा है, प्रकाश दी ही बरखा करता है। फिर उस वेले पिता जी कहन लगे कि तीन सरूप हैं उसके, जदों भी वह सरूप तार के आता है वह प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाश ही बनता है, वह प्रेम ही प्रेम है, वह प्रेम ही बनता है, वह दया स्वरूप है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। और दया दा सागर है, दया दा समुंदर है, और दया दी बरखा करता है। फिर पिताजी कहन लगे कि बाबा नरसिंह सिंह साहब ने एक दफा फरमाया कि जो बरखा होंदी है वो सब तो एक ही वरसती है, पर जो गुरु कृपा करता है वो भी ओदा भी यही हाल है, सब तो एक जहा कृपा होंगी है, वह दया होंगी है। फिर पिता जी गल होर कहन लगे ये सूरज तो उसने बनाया है, वह बनिया होया है, उसकी आग्या विच है, उसके पैर विच है। कहन लगे सूरज सब नू इको जिहा सुख दिंदा है या नहीं दिंदा, इको जिहा सुख दिता है। सूरज ओदा बनाया होया है, इसकी रोशनी सब वास्ते सांझी है, ये कोई वंडी नहीं जा सकती, ना ही वंड पाती है। कहिंदे हुण अल्लाह का नूर आया है, जन्ने मुसलमान आ रहे हैं उस तरह उद्या बख्श रहा है, और जेड़े असाई आ रहे हैं, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, ओ प्रेम स्वरूप उन्हों का रब गॉड उन्होंने उही प्रेम उन्होंने बख्श दिया। जेड़े हिंदू आ रहे हैं उन्हों का भगवान उसका प्रकाश भी उही प्रकाश दे रहा है, वो सांझा है, गुरु नानक निरंकार सब का सांझा है, उसका प्रकाश भी सांझा है, उसका प्रेम भी सांझा है, उसकी दया भी सांझी है, सब उत्ते पै रही है।